ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप ये अच्छे से जान गए होंगे कि ये आपके विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में आपके पेपर में आया था। अच्छा, देखिए आज जो मेरा मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, आपको बता सकूं कि मुख्य परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं और आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको बच्चों मुख्य परीक्षा संबंधी कुछ और चाहिए हो जानकारी या कुछ मॉडल पेपर चाहिए हो, अगर आप कमेंट करते हैं, अगर ढेर सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर नहीं ज़रूरत है इस पे और वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर बच्चों आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इस समय मैं अपने भी स्कूल में, मैं आप जानते हैं कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, मैं अपने स्कूल में ही बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ, उसी पैटर्न पर तैयारी करा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ बच्चे अवश्य निकलेंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए देखिए कुछ चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रश्न को देखकर, देखिए जो भी प्रश्न है आप इसको रट नहीं सकते, आपकी समझ शक्ति बच्चों काम आएगी, ठीक है, जितनी आपकी समझ है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, कह रहा है दो, देखिए कुछ धुंधला हो सकता है आपको दिखे इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, दो संख्याओं के बीच 55 का अंतर है। तो सबसे पहले देखिए आपको मान लेना है कोई भी दो संख्या है, तो इसमें मान लीजिए एक संख्या एक्स है एक संख्या वाई है, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं इनका अंतर, अगर ये बोलता कि इनका जोड़ या सम बोलता तब हम क्या करते, प्लस लगाते, तो यहाँ अंतर बोल रहे तो क्या लगाएंगे, माइनस। अंतर कितना है, 55 का है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद आया यदि छोटी संख्या में 15 जोड़ दिया जाता है, अब ये बताइए एक्स और वाई में छोटी संख्या कौन है, हमेशा पता है आपको कि 5 में से अगर आप 3 घटा रहे हैं तो जो 3 जिधर होगा वो छोटी संख्या होती है, यहाँ पे एक्स में से वाई घटा रहे हैं तो वाई क्या हो गई, छोटी संख्या। कह रहा है अगर 15 इसमें छोटी संख्या में जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ आपकी x हो गई, तो 15 घटा दिया जाए तो नया अंतर क्या होगा, तो यही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, बड़ी संख्या में 15 को घटा दिया गया, ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ अंतर पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, फिर बोल रहा है कि बड़ी जो छोटी संख्या है उसमें 15 जोड़ दिया गया, तब इनका अंतर कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों बस ये आपको ध्यान होगा, कई बार मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि जब ब्रैकेट खुलता है तो ये जो माइनस साइन आपको दिख रहा है ये अंदर की संख्याओं को गुणा करता है, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट को खोलने जा रहा हूँ, एक्स माइनस 15, ठीक है, माइनस वाई, क्योंकि यहाँ घात प्लस था तो माइनस और प्लस को अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है, ये आपको पता है, माइनस वाई और माइनस 15, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स माइनस वाई माइनस 30, अब ये देखिए जो है माइनस 30 ठीक है, माइनस 30। इसके बाद देखिए ये हमने ऑलरेडी पता है कि एक्स माइनस वाई कितना है, 55 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 55 डाल देंगे, ठीक है, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 55 माइनस 30, ठीक है, 55 में से आप 30 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 25, ठीक है, तो नया अंतर क्या हो गया, 25। तो इस तरह से इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है, ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए एक और दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब ये देखिए सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ बच्चों मैं, नीचे दिया गया चित्र 7 फलकों वाला एक ठोस दिखाता है, फलक मतलब होता है बच्चों चेहरा, फेस, ठीक है। अगर आप कोई भी मान लीजिए किताब खोले हैं, ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकली अभी तो इस तरह का वीडियो बनाऊँ नहीं तो प्रैक्टिकली बता दूंगा, किताब आप खोलें तो किताब का अगर एक चेहरा देखते हैं तो वो आपका होता है रेक्टेंगल, ठीक है, आयत होता है, अगर पूरी किताब को देखेंगे तो वो क्या होता है, घनाभ होता है, ठीक है। तो घनाभ में कितने फलक होते हैं, ठोस होते हैं, आपको पता ही है 6 होते हैं कुल, ठीक है। अब यहाँ आकृति का अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए आगे का भाग का 1, ये 2, ये 3, ठीक उसके उल्टे तरफ देखिए 4, इसका ठीक पीछे वाला 5 और ये 6, तो कुल कितने फलक हो गए, 6 और एक एकदम नीचे वाला, एकदम नीचे वाला जहाँ इस पे इसको रखा गया है, ठीक है, वो हो गया कुल 7। तो यहाँ बता रहा है कि 7 फलक है तो हमने गिन लिए 7 फलक, ठीक है। इसके बाद देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल अब देखिए नीचे आकृति का आ गया, सवाल ये कह रहा है नीचे का ठोस 2 ऐसे ठोसों को मिलाने से बनता है, नए ठोस में कितने फलक हैं। अब देखिए जो जिस पे ज़मीन पर रखा हुआ था उसको क्या किया गया, सटा दिया गया, ठीक है, वैसे तो 7 रहता, ठीक है, अब सटा दिया गया तो बचा कितना, इसका 6 बचा, इसका
छः बचा, ठीक है। तो कुल कितने हुए, छः और छः 12। अब देखिए भाई 12 किस में उत्तर है, तो 12 देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में बच्चों उत्तर है। देखिए आसान से सवाल है, बस आपको समझ के उसको करना पड़ेगा। आइए और कुछ बताइए। देखिए गर्ल्स का पेपर है लेकिन लड़कों में भी सेम क्वेश्चन आया था क्लास सिक्स का। अब देखिए अगर ये वाले प्रश्न को देखिए, 7 नंबर कह रहा है, नीचे दिखाए गए तार के टुकड़े को देखें। ये तार का देखिए टुकड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इस तार को मोड़ने पर इनमें से कौन सा वर्ग मिलेगा। अब देखिए अगर ध्यान देंगे तार तो इतना ही लंबा भाई, इसी को हमें मोड़े, इतना मोड़े फिर इतना मोड़े फिर इतना मोड़े फिर इतना मोड़े, ठीक है, इसी तरह मोड़ के बनाएंगे ना। ये आपको एक अंदाजन दूरी आपको लेना पड़ेगा किस हिसाब से, क्योंकि आप वहाँ पर रहेंगे थे तो आपके पास में सब कुछ था, पेंसिल था, कुछ भी था, एक आइडिया से आप नाप के कर सकते थे। लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये काफ़ी छोटा पड़ेगा, यही वाला बच्चों एकदम साइज का आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, बी, ठीक है। ये आपको कुछ समझ वाली चीज़ें जो खुद से करनी होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है देखिए ये स्टार बना है बिना काला किए हुए, स्टार और ये पूरा काला वाला स्टार, दो ऐसी संख्याएँ, अब संख्याएँ दे दिया गया। अब देखिए इसको आपकी समझ चाहिए थी। देखिए अगर ये चार ऐसे वाले तारे हैं, इनको जोड़ा जाता है तो 40, सब एक जैसे हैं, ठीक है। अगर हम 40 को चार एक तरह की है ना, चार से भाग दे दें तो पता चल गया एक इस तरह का तारा कितना है, इस तरह का तारा का मान जो है वो 10 है, ठीक है। अब बारी देखिए इसकी आई, इसका तो हमें पता चल गया 10 है। अब यहाँ कह रहा है -4, अगर हम 4 घटा देते हैं कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा, ये जो रंगा वाला स्टार एकदम डार्क वाला, ये कौन सा है, तो कौन सी संख्या है, 6 है बच्चों। एकदम इजी सवाल था ये वाला, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वाले सवाल है। अब देखिए ये वाला सवाल भी इजी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। क्वेश्चन 9, जयंत एक चिड़िया घर में जाता है, वह एक बाघ, टाइगर, एक भैंस और एक शेर का वजन पता करता है और उन्हें अलग अलग तरीकों से लिखता है जैसा कि नीचे दिखाया गया। अब देखिए यहाँ बच्चों दिखाया गया है कि एक शेर और एक बाघ का वजन जो है वो 410 किलोग्राम है, केजी है, ठीक है। हो सकता है आपको ना दिख रहा, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ। अब देखिए नीचे वाले में है, एक शेर, एक भैंस और एक बाघ का वजन जो है वो है 1100 केजी। अब सवाल पूछ रहा है कि भैंस का वजन कितना है, ठीक है। तो हमें देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, फिर से देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, बाघ, बहुत से बाघ, बहुत से भैंस, ठीक है, और 100 से शेर, ठीक है। अब तीनों का वजन कितना है, 1100, ठीक है। अब देखिए ऊपर दिया हुआ है बाघ और शेर का वजन, बाघ और शेर का वजन कितना है, 410 है, तो भैंस को मैं रख लूँ इधर प्लस 410 कर दूँ, भाई दिया ही हुआ है 410। आपको पता है कि कोई भी संख्या अगर दूसरे तरफ जाती है तो घट जाती है, तो भैंस का वजन कितना होगा, उधर ले जाके हम घटा देंगे 1100 माइनस 410, तो घटा देते हैं 0, ठीक है। 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 10 हो गया, 10 में से आपका 4 गया 690, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है, ठीक है, काफ़ी ईजी था। अब देखिए इस वाले में पूछ रहा है, यहाँ दिखाए गए वजन बाटों में 2 किलोग्राम भार प्राप्त करने के लिए कितने अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं, समान भार के जोड़ों को एक दूसरे से के समान माने। अब देखिए पूछ रहा कितना जोड़ा, पहले देखिए ये 1 किलो, ये 1 किलो, ये 500 ग्राम, 500 ग्राम, ये 250 ग्राम, ये 250 ग्राम, 1 किलो, 1 किलो को ले लिया, देखिए 2 किलो बन गया भाई, एक जोड़ा तो ये बन गया हमारा, ठीक है। अब मैं क्या किया, 1 किलो ये और 500 के दो ले लिया, 500 के क्या लिया, दो ले लिया, तो ये देखिए दूसरा जोड़ा बन गया, 2 किलो बन गया। अब तीसरे में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक किलो के ले लिया और आपके ये आपके 500 को एक ले लिया, फिर 250 वाले दो ले लिया, ठीक है। तो ये कौन सा जोड़ा बन गया, तीसरा जोड़ा बन गया, ठीक है। इसके बच्चों देखिए तीन ही पॉसिबल है, ठीक है, इस तरह से, तो हमारा उत्तर होगा 3, ठीक है।
अब देखिए ये वाला मैं 13th वाला बता देता हूँ आपको। ये सीरीज बच्चों आपको दिख रही होगी, क्वेश्चन नंबर 13 की। ए बी ई बी सी एफ सी डी जी और डी ई एफ एच, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं बच्चों, ठीक है, तो मैं देखिए सबसे पहले ए बी ई वाला बता रहा हूँ, ठीक है। लगातार वाली संख्याएं, पहली अल्फ़ाबेट एक, अल्फ़ाबेट दो, इसमें क्या किया गया, तीन जोड़ दिया गया। तीन जोड़ा गया तो कितना आएगा, पाँच। तो पाँच इसमें हर एक में तीन जोड़ा गया, तो ये पाँच के बदले में क्या होता है, ए बी सी डी ई, ई जो है पाँचवें स्थान पर है। तो इस रूल से ये बच्चों चल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, बी सी एफ जो दूसरी वाली थी संख्या, ये जो अल्फ़ाबेट है उसको ले लिए, बी बी के बाद सी, फिर सी में क्या किया गया, तीन को जोड़ दिया गया। सी खुद तीसरे स्थान पे, तीन को जोड़ दिया गया तो क्या आएगा, छः, ठीक है। तो छः कौन सा होता है, अल्फ़ाबेट आता है एफ। इसी तरह से आपका डी ई एच हुआ, ठीक है। अब डी ई एच, इसी सवाल से हमें आगे बढ़ना है कि अगला क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, डी को नहीं लेंगे, ई को लेंगे। ई के बाद क्या आता है, हमारा एफ आता है, और एफ में क्या करेंगे, आप तीन जोड़ देंगे एफ के स्थान में। तो एफ जो है खुद छठे स्थान पर है, तो क्या आ जाएगा, नौ। तो नौवां स्थान किस अल्फ़ाबेट का होता है, आई का होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ई एफ आई, इसका आंसर ए है बच्चों, ए, ठीक है। काफ़ी ईजी था, इस तरह से आपको पढ़ना था इसको। और देखिए प्रश्न बच्चों ऐसे ही आएंगे, थोड़े से बदल जाएंगे, थोड़े से कठिन हो जाएंगे। कोई भी सर आपको ये नहीं बता सकते कि ये आप रट लो, इसको समझ लो, ऐसा ही आएगा, यही आएगा, ये एकदम नहीं हो सकता। ये बदल के सवाल आएंगे बच्चों, ये विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा है, आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ गणित के सवाल हो सकते हैं कि आप उसको भाई हूबहू आ जाए आपका प्रतिशत का या इस तरह का, ठीक है, लेकिन ये ऐसा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 17 है, सलमा नीचे दिखाए गए कार्डों में से तीन कार्ड अपनी सहेली को देती है, बचा हुआ एक कार्ड वह अपने पास रख लेती है। ये देखिए बच्चों, अलग अलग कार्ड है जिसपे एक लिखा है, सात लिखा है, पाँच लिखा है और तीन लिखा है, ठीक है। उसकी सहेली नीचे दिखाए अनुसार घटाने का प्रश्न हल करती है। तो ये अब देखिए, एक उस सहेली के पास तीन अंक हैं और एक सलमा ने रख लिया, तो ये पूछ रहा है ये कैसे आएगा। अब देखिए सबसे पहली बात, 28 कैसे आएगा भाई, ठीक है। 28 आने का तरीका, 28 में 8 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं, 5 में से 7 घटाते हैं, ठीक है, तो बगल वाले से कोई ना कोई हासिल लेगा, तब ये जाके 15 होगा। 15 में से अगर हम 7 घटाते हैं तब ये 8 आ सकता है, ठीक है। अब देखिए वो वाली संख्या कौन सी होगी, दूसरी वाली, अगर हम एक यहाँ रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ दो चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर तीन आएगा, तभी तो तीन, अगर एक अपना हासिल दिया पाँच को, तो ये दो हो जाएगा, तभी होगा। तो इसके जो दोस्त के पास कौन कौन से नंबर हो गए, तीन हो गए, पाँच हो गए और सात हो गए, तो सलमा के पास कौन सा बचा, एक बचा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक है। अब देखिए इस वाले भी सवाल में पूछ रहा है, 18वां भी, चलिए बता दे रहा हूँ मैं, कि नीचे दिखाई गई वस्तु को देखें, फिर ये देखिए फलक बोला है, इसके फेस कितने हैं, इस वस्तु के कितने फलक हैं, तो आप देखिए एक, ठीक है, इसके ठीक उल्टा वाला दो, फिर आगे वाला तीन, उधर वाला चार और नीचे वाला पाँच, तो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में बच्चों, ठीक है। ये वाला बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं सोचा समझा दूं इसको आपको, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत आएगी इस सवाल में। बच्चों ये देखिए, आप इसको जरूर बच्चों अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, किसी भी सवाल में दिक्कत हो या अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए तो आपको कमेंट बच्चों करना पड़ेगा, तभी मैं बनाऊँगा, नहीं तो फिर मेरी मेहनत बेकार जाएगी अगर आप देखेंगे ही नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें 21वां प्रश्न है, दिया गया ब्लॉक छोटे घनों से बना है, ठीक है भाई, यहाँ दिख रहा है छोटे घनों से बना है, यह कितने छोटे घनों से बना है, ठीक है। ब्लॉक का पिछला भाग बिल्कुल सामने वाले भाग जैसा ही दिखता है। अब अगर बच्चों इसको आप ध्यान से देखेंगे, कहीं किसी चीज़ का जिक्र नहीं है, घन से देखिए बच्चों रिलेटेड बहुत क्वेश्चन तरह तरह के बनते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं तरह तरह के क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कहीं जिक्र नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एक जो है इसका घन का एक भुजा की लंबाई एक है, ठीक है। तो कितने घन है भाई, एक दो तीन घन है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी दूरी कितनी हो गई, इसकी जो
भुजा की लंबाई हो गई 3 हो गई, कितनी हो गई 3, ठीक है। अब अगर छोटे की बात करें तो छोटा तो भाई हमने एक माना ही है, चारों तरफ से एक है, तो अब बड़े का कितना होगा बताइए, जो बड़ा घन आपका बन रहा है ठीक है, उसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम, ठीक है, आयतन या वॉल्यूम, आपको पता है आयतन इसका होता है ए क्यूब, भुजा का क्यूब, ठीक है, तो भुजा 3 है, ठीक है, तो हमने क्या किया 3 × 3 × 3 कर लिया। अब कितने छोटे बनेंगे और छोटा वाला का कितना आयतन होगा, छोटे वाले की भुजा 1 है तो उसका आयतन कितना होगा, 1 × 1 × 1, बस आपको यही करना था। अब आप देखिए नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अब ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर दीजिए, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ठीक है, तो इसमें कुल कितने घन होंगे, 27 छोटे घन होंगे बच्चों। इस तरह से इसका आंसर क्या है, सी 27, ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए ये भी काफ़ी ये भी इजी है, लेकिन बस जो बच्चे घबरा जाएंगे कि अरे कैसे सवाल होगा तो कर नहीं पाएंगे। ये देखिए सवाल ये कह रहा है, एक स्कूल से 140 बच्चे घूमने के लिए गए, उनके साथ 10 शिक्षक भी गए, तो कुल कितने लोग हो गए, 140 प्लस 10 कितने हो गए, 150 लोग हो गए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उन्हें दो तरह की बसों में से चुनना था, नीली बस जिसमें 30 लोग आ सकते हैं, भाई ब्लू नीला कर लें, ब्लू में कितने लोग आ सकते हैं, 30 लोग, और लाल बस में 40 लोग, लाल को मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है, लाल में कितने लोग बैठ सकते हैं, 40 लोग बैठ सकते हैं। उन्होंने दोनों तरह की कुछ बसें चुनी ताकि सभी बच्चे और शिक्षक जा सकें, उन्होंने इसमें से क्या चुना होगा। अब देखिए मैं दिखाने जा रहा हूँ भाई क्या चुना होगा, एक नीली तथा 3 लाल, एक नीली मतलब कि 30 और 3 लाल, 3 से गुणा कर दें 120, ये तो भाई एकदम 150 लोग सब तो आ गए, आएगा भाई सही बात है, उस हिसाब से लग रहा उत्तर है, लेकिन एक आध और देख लें, एक नीली एक लाल, भाई एक नीली एक लाल तो 70 ही होगा, तो हो ही नहीं सकता था, दो नीली दो लाल, दो नीली मतलब कि 60 और दो लाल मतलब कि 80, तो ये तो 140 ही हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वही सही है, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। अब देखिए ये आपको बताना चाहता हूँ, आप पूछेंगे कि सर ये इस परीक्षा में क्या आएगा, जो देखिए मैंने भी साइट पे देखी और जो पुराने बच्चे जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं उनके कथन अनुसार बच्चों, ये देखिए अनुच्छेद है इस बार जो आपको आया था, जो पेपर है पेपर का स्तर देखिए हल्का सा ऊंचा उठेगा, गणित के सवाल थोड़े से कठिन होंगे, इस वाले देखिए अनुच्छेद में जो आपने देखा है, इस वाले अनुच्छेद में एक भी ग्रामर नहीं आया है, अर्थ संबंधी चीज़ें आई हैं, पूछ लेगा देखिए कि अर्थ क्या है, या मुहावरा पूछ लेगा कि मुहावरा क्या है, देखिए ये पूछा है, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ, रंगनाथ को हर बार परीक्षा में मुंह की खानी पड़ती थी, रेखांकित मुहावरे से कहानी में अर्थ निकल रहा है कि हर बार परीक्षा में आप कहानी पढ़ें तो आप मुहावरा का अर्थ जानेंगे तभी तो कर पाएंगे, ठीक है। इस बार लेकिन कुछ ग्रामर पार्ट आपके ऐड होंगे बच्चों इस परीक्षा में। इसके अलावा देखिए पिछली बार आया था निबंध लिखने के लिए, आया था देखिए मैं बता दे रहा हूँ, पिछली बार आया था निबंध लिखने के लिए 2019 वाले में, क्योंकि ठीक इसके पहले वाले वर्ष तो परीक्षा हुई नहीं थी, उसमें आया था कि अगर भगवान ने आपको जानवर बना दिया तो आप कौन सा जानवर बनना पसंद करेंगे, कौन सा जानवर बनना पसंद करेंगे और क्यों, ठीक है, तो ये आपका अपना वो विचार होगा कि आप वो जानना चाहते हैं कि बच्चे की जो सोचने की शक्ति है वो कैसी है, तो ये देखिए बच्चों फिर कहूँगा ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ ना कुछ बदल के आएगा, त्यौहार का पूछ देंगे, महात्मा गांधी के बारे में पूछ सकते हैं, कोरोना के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चों, ये टॉपिक मुझे लग रहा है कोरोना का टॉपिक होना चाहिए, आ सकता है कक्षा 6 या 7 किसी के लिए भी आ सकता है, तो उसको आप ज़रूर इसका निबंध बच्चों तैयार कर लेंगे, ठीक है। और फिर से मैं कहना चाहूँगा बच्चों कि अगर आपको वीडियोज़ चाहिए और मेरे, ठीक है, मॉडल पेपर कुछ चाहिए इसका तो मैं अवश्य बनाऊँगा इसमें, क्योंकि बच्चों रीजनिंग जो है वो थोड़ी सी चीज़ नहीं है कि मैं एक दो वीडियो बना के आपको मैं समझा दूँ, ठीक है, मेरा बस ये इस वीडियो के जरिए ये था कि ताकि आप अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको और बढ़ाएं कि इसी तरह के प्रश्न आते हैं इनको ऐसे हल करना है, ठीक है, और सोचना इस तरीके से, और निबंध की तैयारी पहले से करनी है और अनुच्छेद पे भी एकदम उसके अर्थ पे और ये सब पे ध्यान देना है बच्चों, तो पर्यायवाची विलोम आप याद कर लेंगे, उससे कुछ भी सवाल आ सकते हैं बच्चों। उम्मीद है ये बच्चों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है,
थैंक यू वेरी मच।